होता है, यानी कि डेट के हिसाब से होता है और सीरियल नंबर में होता है। इसको हम डेबिट नोट इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो पार्टीज है, यानी कि पार्टी का अकाउंट है या सप्लायर का अकाउंट है, उसको हम डेबिट करते हैं उस अमाउंट से जो अमाउंट हमने डेबिट नोट में मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कितना माल वापसी किया जा रहा है सप्लायर को, ठीक है, यानी कि सप्लायर का नाम, जो आपने सामान वापस किया यानी कि गुड्स रिटर्न करी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, रीजन क्यों हम माल वापस कर रहे हैं, ठीक है, और उन जो गुड्स को हमने रिटर्न किया उनका प्राइस हमें वापस आना चाहिए, ठीक है। डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट आउट ऑफ व्हिच ओरिजिनल कॉपी इज सेंट टू द सप्लायर सो दैट द सप्लायर कैन मेक द नेसेसरी एंट्रीज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। डेबिट नोट डुप्लीकेट में भी बनाया जाता है जिसमें जिसकी हम ओरिजिनल कॉपी सप्लायर को देते हैं ताकि सप्लायर अपनी बुक्स में नेसेसरी एंट्रीज कर सके, ठीक है। चिल्ड्रन, अगर आपको डेबिट नोट में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। डेबिट नोट इज ऑल्सो सेंट, डेबिट नोट तब भी भेजा जाता है जब एन अलाउंस इज रिसीव्ड फॉर द सप्लायर, मतलब अगर हमें सप्लायर से कोई अलाउंस मिला हो, अलाउंस मतलब यहाँ पर आता है कि हाँ उसने बोल दिया है कि अब आप, उसने अलाउड कर दिया एक तरीके से, उसने अलाउंस दे दिया है कि हाँ आप माल वापस कर दीजिए और मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, माल खराब हो गया है या फिर मैं माल टाइम से नहीं पहुंचा पाया हूं या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई है, कुछ भी हो सकता है रीजन, उसकी वजह से उसने अलाउंस दिया कि हाँ मैं आपका माल वापस ले लूं। ये था आपका डेबिट नोट। ट्रेड डिस्काउंट तो आपको पता ही है, परचेज के टाइम पर जो होता है ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसको हम तब डिडक्ट करते हैं जब हम गुड्स को खरीद लेते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू, और जब हम रिटर्न करते हैं, मान लो अगर हमने जो गुड्स रिटर्न करी है उसको हम डिडक्ट करके परचेज रिटर्न बुक में दिखाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड जर्नल भी कहते हैं और परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। फॉर्मेट आपको अपनी कॉपीज में करना है बच्चों, फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, LF, डिटेल्स, अमाउंट, यानी कि यहां पर भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने परचेज बुक में और सेल्स बुक में किया, बशर्ते बस इसमें चीजें उतनी आती हैं आपकी, जो भी आपने माल वापसी किया आप इसमें सिर्फ वही लिखेंगे डेट के हिसाब से, डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, LF में अगर कॉलम दे रखा होगा तो ही लिखेंगे, वरना डिटेल्स आपको पता ही है जब हम इंटू करके अमाउंट लिखते हैं वो हम इसमें शो करते हैं, और टोटल अमाउंट के लिए हम अमाउंट कॉलम बनाते हैं। इट इज सेम एज परचेज बुक और सेल्स बुक, ठीक है, बस इसमें अभी सिंपल वाला है, GST नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, परचेज रिटर्न बुक बनानी है। अब मई 12 को ट्रांजेक्शन दे रखा है, दो टीवी रिटर्न किया, दो टीवी सेट्स को रिटर्न किया शाम इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसका लिस्ट प्राइस था 10,000 ईच, जिसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, जिसका डेबिट नोट नंबर 122 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेबिट नोट नंबर मेंशन करना परचेज बुक में, उसका अलग कॉलम बनता है डेबिट नोट नंबर। मई 28 को हमने तीन रेफ्रिजरेटर मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिटर्न किए 7,000 ईच के हिसाब से, इसमें से हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, डेबिट नोट नंबर 123। अब परचेज रिटर्न बुक हम बनाते हैं, सबसे पहले हम शो करेंगे शाम इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, अमाउंट। नोट नंबर में दोनों नोट नंबर लिख लिया हमने, डिटेल्स में दोनों का इंटू करके ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, अमाउंट कॉलम में 18,000 दिखा दिया और ऐसे ही मनोहर का अमाउंट कॉलम में 19,950 दिखा दिया।
दोनों का टोटल करके परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको परचेज रिटर्न बुक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी बहुत सिंपल है। इफ यू हैव एनी डाउट चिल्ड्रेन यू कैन आस्क मी। यू डोंट हैव एनी डाउट। ठीक है, ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक में भी लेजर पोस्टिंग होती है, यानी कि वो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लेजर्स अलग बनाने होते हैं। मान लो उन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है, परचेज रिटर्न बुक बनाइए पुरानी जो मतलब एक इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उससे, और उसके लेजर बनाइए। दो बुक्स है आपके, कृष्णा फर्नीचर रिटर्न, शायद से थोड़ा सा धुंधला होगा चिल्ड्रन, ठीक है, आई डोंट नो कैसे हो गया, रिटर्न हुआ कृष्णा फर्नीचर को, जो क्योंकि गुड सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थी, हमने उनको वापस कर दी, और हमने गैलेक्सी फर्नीचर मार्केट को वापस की क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव थी। दोनों में से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, बिल्कुल वैसे ही बनाया हमने। इसमें डेबिट नोट नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन हम फिर भी कॉलम बनाएंगे डेबिट नोट नंबर का, हमने वो बकायदे लिख दिया। हमें लेजर बनाने तीन के, कृष्णा, गैलेक्सी और परचेज रिटर्न, इन तीन के हमने अकाउंट बना लिया। तो इस तरीके से हमने लेजर भी शो कर दिया। ये आपका परचेज रिटर्न भी कंप्लीट हो गया है। हमने सेल्स रिटर्न का, हमने सेल्स बुक कंप्लीट कर लिया, परचेज बुक कंप्लीट कर लिया, परचेज रिटर्न कंप्लीट कर लिया, और आगे मैं आपको सेल्स रिटर्न पढ़ाने जा रही हूं। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी चिल्ड्रन। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक भी हमारी वैसी है, इसको हम रिटर्न इनवर्ट बुक भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न बुक इज मेंटेन, कैसे मेंटेन की जाती है सेल्स रिटर्न बुक? सेल्स रिटर्न बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल्स रिटर्न बाय द, अभी परचेज रिटर्न उसके लिए होता है कि हमने माल वापस किया, अब सेल्स रिटर्न उसके लिए कि हमें माल वापस किया डीलर, जिसके साथ हमने जो कस्टमर्स थे उन्होंने हमें माल वापस किया है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम क्रेडिट नोट बनाते हैं, इसमें जैसे उसमें डेबिट नोट बनाते हैं, इसमें हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इंपॉर्टेंट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जब गुड्स रिटर्न की जाती है कस्टमर को, तो एक नोट बनाया जाता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है। मतलब आपके पास अगर कोई कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो एक क्रेडिट नोट देगा आपको, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि क्या माल वापस कर रहा है वो और किस रीजन से वापस कर रहा है और आपको कितने पैसे उसको वापस करने हैं। क्रेडिट नोट में मतलब एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। इसमें भी सारी एंट्रीज होती है सेल्स रिटर्न की, इसकी सारी एंट्रीज जो होती है वो हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट नोट हमेशा सीरियल नंबर होता है और डेट के अकॉर्डिंग होता है। इसको हम क्रेडिट नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि कस्टमर का अकाउंट इसमें क्रेडिट होता है उस अमाउंट से जो नोट पर लिखा हुआ होता है। क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है एक और डुप्लीकेट में, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो कस्टमर को दी जाती है और सेकंड कॉपी हम अपने पास रखते हैं रिकॉर्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है, फॉर्मेट देख लीजिए सेल्स रिटर्न बुक का। सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट है आपका ये, डेट पार्टिकुलर्स क्रेडिट नोट नंबर LF डिटेल्स अमाउंट, वहां डेबिट था यहाँ क्रेडिट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, गुप्ता स्टेशनरी रिटर्न की है कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ गुड्स, वो हमने लिख दिया है ट्रेड डिस्काउंट के साथ, दो ही आइटम्स है, इसको हमने शो करके दिखा दिया। क्रेडिट नोट नंबर दे नहीं रखा है, जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बना दी, कुछ भी नहीं है, सारी बुक सिमिलर है, बस आपको ऊपर शो करना पड़ेगा ये सेल्स रिटर्न बुक है, ये परचेज रिटर्न बुक है। कैश का ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होते, ऐसे ही इसमें लेजर पोस्टिंग में भी सेल्स रिटर्न बुक होती है, यानी कि पहले आप सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, फिर जो भी जिस जिस नाम से सेल्स रिटर्न जिस जिसको किया होगा उसके नाम से आप लेजर अकाउंट बना देंगे। ठीक है,
ठीक है? अब है आपकी एक प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बनानी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो बच्चों। एम मिस शाम ट्रेडर्स की प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स का मतलब है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर नहीं है इसमें बस, ठीक है? देखते हैं, ये सारी डिटेल्स दे रखी है। पहले परचेज किया, फिर सोल्ड किया, फिर परचेज किया, फिर गुड्स रिटर्न आई आपकी, ठीक है? फिर परचेज किया, फिर गुड्स रिटर्न, पहले तो गुड्स रिटर्न की, टू का मतलब होता है की और बाय का मतलब होता है हमें वापस आया, ठीक है? फिर हमने की रिटर्न, फिर हमें वापस माल आया। तो जो जो हमारा इसके लिए हमने बनाई परचेज बुक, परचेज बुक में जो जो हमने परचेज किया वो हमने लिख दिया। सेल्स बुक में जो जो हमने परचेज सेल्स किया क्रेडिट पर वो लिख दिया, ठीक है? परचेज रिटर्न में जितना माल हमने रिटर्न किया उसकी डिटेल और डेबिट नोट नंबर के साथ हमने लिख दिया, ठीक है? ऐसे ही हमने सेल्स रिटर्न बुक में सारे रिकॉर्ड के साथ वो सारी चीजें लिख दी जैसे हम लिखते हैं। मतलब आपकी जब प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बोली जाती है इसका मतलब आपको चारों बुक शो करनी होती है, ठीक है? जो अभी हमने अलग अलग की वो आपको एक साथ शो करनी होती है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में रितिका, यस रितिका, थोड़ा तेज बोलो बेटा, आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। मैम परचेज और परचेज रिटर्न बुक वगैरह में इसमें सीजीएससी एसजीएससी तो आया ही नहीं। हाँ तो वो सिंपल वाली थी, आगे क्वेश्चंस में आपके पास वो भी आ सकता है। परचेज रिटर्न में तो मैंने भी आपको सिखाया ना आईजीएसटी एसजीएसटी, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको करना होगा, नहीं मेंशन है तो सिंपल बनानी होगी। ओके मैम, आएगी तो आप कर ही लेंगे, मैंने आपको कॉलम सिखा दिए अभी, ठीक है? आपको कॉपी में करना है बच्चों ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, वो सारे रीजन आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आता है, ठीक है? तो चिल्ड्रन मेरा टॉपिक मैं इसके बाद जर्नल प्रॉपर अगले पीरियड में स्टार्ट करूंगी, अभी यहीं तक एक बार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बता देती हूँ। ये शिशिता आप पूछिए, बोलो इशिता। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं पीडीएफ सेंड करूंगी मैं, क्या मैं पीडीएफ सेंड करूंगी मैं ग्रुप पर। ओके ओके मैम, ओके। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, फिर अगले पीरियड में जर्नल प्रॉपर पढ़ाऊंगी आपको, और टाइम मिल गया तो चैप्टर 3 का रिवीजन बीएस। डेबिट नोट में आपका डेबिट नोट कब बनाया जाता है, जब ये प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर के द्वारा सप्लायर पर, और क्रेडिट नोट मतलब डेबिट नोट इन शॉर्ट आप बनाएंगे, ठीक है? कि आपके पास डिटेल्स हैं आपको दिया जाएगा, ठीक है? क्रेडिट नोट आप बनाएंगे, सप्लायर के द्वारा बनाया जाता है, और डेबिट नोट कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? ये हम परचेज रिटर्न के बेसिस पे इसमें लिखते हैं, और क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न के बेसिस पे, सेल्स रिटर्न बुक के। डेबिट नोट में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमने कब गुड्स रिटर्न करी है, क्यों करी है, उसका डिस्क्रिप्शन। क्रेडिट नोट में हमारे पास जो गुड्स आई है वापस उसका रीजन क्यों आई है, कितना अमाउंट हमें देना है। डेबिट नोट में हम सप्लायर को ये बोलते हैं कि जो भी है ये बताया जाता है कि सप्लायर को दिया जाएगा और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और क्रेडिट नोट में ये बोला जाता है कि कस्टमर को क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में जो भी डिटेल्स है उसको पढ़ने के बाद। तो जर्नल प्रॉपर में आपको नेक्स्ट क्लास में
डिस्कस करूंगी इस क्लास में केवल यही, ठीक है? तो कंटिन्यू करना अगली क्लास में भी चिल्ड्रन। अभी यहाँ तक कोई भी डाउट है आपको तो यू कैन आस्क चिल्ड्रन, फिर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में जर्नल प्रॉपर कंटिन्यू करूंगी और हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। एकांश अपनी वीडियो ऑन करिए। अब हैंड रेज वही कर सकता है जो अपनी वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन भी पूछना है तो आपको पहले वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एकांश इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फर्स्ट ऑन योर वीडियो, then only you are able to ask. आपने वीडियो ऑन की नहीं है एकांश अभी तक। ओके Now I have a record. Now you can ask. Yes, पूछिए एकांश। मैम टेस्ट है या नहीं? टाइम तो हो गया।